हेलो गाइस, वेलकम टू पीपल ग्राफिक्स। सो गाइस, मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ रेक्टेंगल टूल के बारे में और साथ ही साथ एलिप्स टूल के बारे में। सो गाइस, हमेशा की तरह है आपका समय बिना बर्बाद करे, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कुछ इस तरह से। और अब सेकंड हमारे पास आती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में आप इसको इसके कॉर्नर जैसे आप देना चाहे वो यहाँ से आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कुछ राउंड कॉर्नर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू मैन्युअली डाल लेता हूँ। देखिए, इसके जो कॉर्नर है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पर एक कॉर्नर पे ही देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप एडिट कॉर्नर टुगेदर पर क्लिक करें। करने के बाद जैसे मैं इस फोर्थ कॉर्नर को यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू डाल दूँगा 9। तो देखिए, ये कॉर्नर है। अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। कुछ इस तरह से ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और गाइस, हमारे पास आता है अगला टूल एलिप्स। एलिप्स टूल की शॉर्टकट की है F7। अब यहाँ से हम सिंपली ड्रॉ कर लेंगे एक एलिप्स। और यहाँ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है, आप जैसा भी इसे शेप देना चाहते हैं वो आप इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू दे सकते हैं। जैसे आर्क है, ये देखिए आर्क में बदल चुका है। और पाई है, ये पाई में बदल चुका है। और मैं इसे एलिप्स में ही रखना चाहता हूँ, तो पूरा ये देखिए एलिप्स में ही कन्वर्ट हो चुका है। और आप आउटलाइन विड्थ आप यहाँ से दे सकते हैं अपने हिसाब से, जो आप देना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। सो गाइज, आज के लिए।